रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम 400 mm एंड 650 mm इफेक्टिव इन सेक्शन इज रेनफोर्स्ड विद 3 बार ऑफ 28 mm डायमीटर। इफ द इफेक्टिव स्पैन इज 5 मीटर फाइंड द कंसेंट्रेटेड लोड द बीम कैन सपोर्ट एट द सेंटर। अज्यूम M20 एंड Fe415 ग्रेड स्टील। मॉडुलर रेशियो कितना है 13.33। तो हमारे पास एक बीम दिया हुआ है जिसका इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर है, उसके सेंटर पे एक लोड लगा है W। W की हमें वैल्यू बतानी है। तो बीम का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। विड्थ ऑफ द बीम 400 mm है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम 650 mm है। तो अज्यूम हमने कर लिया कि इफेक्टिव कवर जो है इसका 50 mm है, तो मान लेते हैं इफेक्टिव कवर है 50 mm। यहाँ पे 10 mm में 3 नंबर 28 mm डायमीटर बार प्रोवाइड की है। मॉडुलर रेशियो 13.33 है। M20 एंड Fe415 ग्रेड का स्टील का हम यूज कर रहे हैं। तो M20 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना है 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड Fe415 के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है वो कितना है 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे है इसमें। तो सबसे फर्स्ट हमें इसमें हमें क्या करना होगा, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी होगी। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक्स बैलेंस है कि सेक्शन हमारे पास किस टाइप का है, ओवर रीइंफोर्स है अंडर रीइंफोर्स है। एक्स की मदद से हमारे पास मोमेंट हाथ में आ जाएंगे MOR ऑफ द सेक्शन, और MOR से हमारे पास जो लोड है बीम पा रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर फर्स्ट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेशन। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, सिंपली अगर इसको रिकॉल करते हैं कि हमारे पास कोई बीम है जिसकी विड्थ बीम बी है और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हमारे पास एक्स है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एज ए क्रैक सेक्शन। तो ये MAST एरिया ऑफ द स्टील हो गया इन कॉन्क्रीट फॉर्म, डी माइनस एक्स लीवर आर्म हो गया, और एक्स हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हो गई। तो हमें क्या करना है, सिंपली टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, टेकिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो ले लेते हैं तो v इंटू एक्स इंटू एक्स वाई टू, दैट इज कंप्रेशन साइड, और टेंशन साइड कितना MAST इंटू डी माइनस एक्स। तो ये मोमेंट हमारे पास हो गया, वैल्यू पुट कर लेते हैं। v हमारे पास कितना दिया हुआ है 400 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, और मॉडुलर रेशो 13.33, और एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील 3 बार हमने दिए हैं 28 mm की, तो 3 इंटू 5 बाई 4 28 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना आया 1847.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो रख लेते हैं तो 1847.256, और इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 650 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 123.119 एक्स माइनस 80027.748 इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ हमारे पास आ रही है वो 227.95 mm। तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास हो गए न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैलकुलेशन। अब हमें देखना है कि सेक्शन हमारे पास किस टाइप का है, तो उसको उसके लिए हमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 4 Fe415 जो एक्स बैलेंस होता है वो कितना होता है, हमने ड्राइव किया था 0.288 इंटू डी, वैल्यू रख लेते हैं तो 0.288 इंटू डी, डेप्थ हमारे पास 650। तो यहाँ से एक्स बैलेंस जो हमारे पास आया 187.2 mm। तो नाउ जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है एक्स, वो हमारे पास एक्स बैलेंस से ज्यादा है, तो सेक्शन हमारे पास किस टाइप का होगा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, तो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन बेसिकली डिजाइन नहीं करते बट इन्होंने दिया है तो देख लेते हैं। अगर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है तो जो परमिसिबल स्ट्रेस है कॉन्क्रीट में वो हमारे पास कितना होगा, सिग्मा सीबीसी अपने परमिसिबल पर पहुंच जाएगा, और जो स्ट्रेस है स्टील में वो हमारे पास परमिसिबल से कम होने वाला है। ये हमारे पास दो डेटा हमारे पास ओवर रीइंफोर्स सेक्शन से निकल गए। नाउ नंबर स्टेप सेकंड, MOR कैलकुलेशन।
MOR का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो गया, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई टू बी इंटू एक्स और डी माइनस एक्स वाई थ्री। वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा सी बी सी कितना है 7/2 और बी 400 इंटू एक्स अभी निकाल कर रहे हैं 227.95 एंड टोटल इफेक्टिव डेप्थ 650 माइनस 227.95 डिवाइड बाई थ्री। तो यहाँ से एम ओ आर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन 183.186 किलो न्यूटन मीटर। एम ओ आर कैलकुलेट हो गया। नाउ स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। जो लोड हमें कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेटेड। तो जो हमारे पास सेंटर पर मोमेंट आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, बेसिकली तो डेड लोड की वजह से है, तो डब्ल्यू डी इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एट डेड लोड की वजह से प्लस इस कंसंट्रेटेड लोड की वजह से डब्ल्यू एल बाई फोर। तो बेसिकली ये मोमेंट हमारे पास आने वाले हैं सेंटर पर। तो इसके लिए हमारे पास लोड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लोड कैलकुलेशन में डेड लोड देख लेते हैं कितना होने वाला है। तो डेड लोड, तो डेड लोड हमारे पास अज्यूम इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एज 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास वेट ऑफ सेक्शन कितनी है 0.4, टोटल डेप्थ 0.7, 1 मीटर के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं इंटू 25। तो यहाँ से डेड लोड हमारे पास आया वो 7 किलो न्यूटन पर मीटर हमारे पास हो गया। तो जो मोमेंट आ रहे हैं, मोमेंट एट सेंटर ऑफ बीम, क्योंकि मैक्सिमम सेंटर पे ही है तो मोमेंट एट सेंटर ऑफ बीम। तो मोमेंट हमारे पास हो गए डब्ल्यू डी इंटू एल इफेक्टिव स्क्वायर बाई एट प्लस डब्ल्यू एल बाई फोर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो मोमेंट एट सेंटर डब्ल्यू डी कितना है 7 और एल इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल इफेक्टिव हमने 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस W जो कैलकुलेट करना है 5/4। तो जो मोमेंट हमारे पास सेंटर पर हो गए इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 21.875 प्लस 1.25 इंटू W। तो मोमेंट एट सेंटर की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ जो मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास एम ओ आर से कम होने चाहिए, तो M शुड बी लेस देन इक्वल टू एम ओ आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 21.875 प्लस 1.25W दैट शुड बी लेस देन एम ओ आर 183.186 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो W जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 129 किलो न्यूटन। तो जो कंसंट्रेटेड लोड की वैल्यू है वो 129 किलोमीटर से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड कितना लगा सकते हैं 129 किलोमीटर। तो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर W इक्वल टू 129 किलोन्यूटन। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।